हेलो गाइस, वेलकम अगेन MTW माय टीच वर्ल्ड। मैं हूं आपको दोस्तों मेंटर इमरान। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी इमेज पर आउटलाइन बना सकते हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा, आपने आउटलाइन बनी हुई दी होगी इस तरह जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, लेकिन आपको ये बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं सीधा फोटोशॉप में लेकर के आया हूँ। यहाँ पर मैं एक इमेज खोल लेता हूँ जिस पर मुझे आउटलाइन करना है। ठीक है, ये एक बच्चे की इमेज है, बेबी की। मैंने इसको ओपन कर लिया। इस पर मैं आपको आउटलाइन बना करके दिखाऊंगा। एक न्यू फाइल ले लेते हैं हम। यहाँ पर ब्लैंक न्यू फाइल मैंने यहाँ पर ली है और सिंपली मैं इस इमेज को उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इसके अंदर। तो गाइस देखिए, ये जो इमेज मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर की है, इसके ऊपर देखिए यहाँ पर कोई भी आउटलाइन यहाँ पर चारों तरफ व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसकी ऐसी आउटलाइन बन जाए कि बिल्कुल ये अलग दिखाई दे इसका क्या एरिया है। सिंपली करना क्या होगा, दो स्टेप सिर्फ आपको इसमें करने हैं। ध्यान से देखिएगा, दोनों स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, राइट साइड में यहाँ पर जो लेयर का ऑप्शन होता है ये, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। इस ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नई विंडो खुल करके आ जाएगी। इस विंडो में आपको करना क्या है, अगर आप देखें काफी सारे ऑप्शन इसमें है, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रोक का ऑप्शन है नीचे सबसे ज्यादा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद होगा क्या, आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर ये प्रीव्यू भी देख सकते हैं। साथ साथ देखिए लाल रंग का आउटलाइन वहां पर बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई और कलर डालूं, तो अभी यहाँ पर कलर का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर जो स्ट्रोक है इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कलर ऑप्शन आ जाएगा। देखिए रेड कलर यहाँ पर शो कर रहा है और रेड ही कलर के मेरे यहाँ पर जो है आउटलाइन आ रही है। तो अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पर आउटलाइन जो है किसी और कलर की मैं लूँ। साथ साथ प्रीव्यू भी आपको दिखा रहा है, तो कौन सा कलर लेंगे हम, ले लेते हैं ग्रीन शेड में कोई कलर ले लेते हैं, क्योंकि ग्रीन आउटलाइन बिल्कुल अलग दिखाई देगी। ओके ओके करने के बाद होगा क्या, अभी बहुत बारीक आउटलाइन हो रही है, मैं चाहता हूँ थोड़ी मोटी हो जाए। इसको मोटी करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ अगर आप देखें स्ट्रोक में ही, तो यहाँ पर देखिए साइज का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। साइज में अभी 3 pixels में यहाँ पर आ रहा है, तो मैं इसको लगभग 6 pixels कर देता हूँ। 6 pixels करने के बाद देखिए, अगर आप देखें यहाँ पर साथ साथ जो प्रीव्यू दिखा रहा है, काफी मोटा इसके ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप आसानी से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं आउटलाइन का। किसी भी इमेज को आप आउटलाइन करना चाहते हैं तो आसानी से इमेज को आउटलाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, उसका साइज आउटलाइन का बारीक या मोटा कर सकते हैं, जैसे आप चाहें उसकी विड्थ कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, छोटी सी वीडियो थी, तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार YouTube पर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाल रंग का सब्सक्रिप्शन बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।